लिप्स में अगर मैं देखूं तो लिप्स के मुझे जो वी शेप चाहिए रहता है, ये बहुत ज्यादा तो ऐसे है नहीं कि बहुत एकदम पॉइंटेड वी शेप है, ये तो नियरली स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस लाइन के पैरेलल थोड़ा सा ये उठ रहा है यहाँ से, तो मैं कैसे लूंगा अब इसका मेजरमेंट? या तो मैं दोनों पॉइंट का ले लूँ हवा में, या फिर मैं सिर्फ इसका लूँ। तो इस पॉइंट का अगर मैं लेता हूँ तो वो आता है 1 सेंटीमीटर, मैंने मार्क किया 1 सेंटीमीटर। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस लाइन से कितना ऊपर है, वो आता है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 पे मार्क किया मैंने, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इस लाइन से कितना राइट में है, तो वो आया 1.1 के आस। तो इसी लाइन के, जैसे ये पॉइंट लगाया ना, इसी लाइन के पैरेलल में रखेंगे अपन और 1.1 आएगा, तो यहाँ मार्क किया। तो मतलब मेरे जो वी शेप आ रहा है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ डायरेक्ट ज्वाइंट कर दिया, वो ऐसे में आ रहा है कि यहाँ से थोड़ा डायगनल और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एकदम ही हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, हल्का सा ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, फिर यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे एकदम एंड तक आ रहा है, यहाँ पे एकदम एंड पॉइंट तक आ रहा है। लोअर लिप में देखते हैं तो यहाँ पे कितना है, 0.6 सेंटीमीटर, ओके। तो अब देखो अपन को पता है कि बहुत ज्यादा एकदम एंड पे भी नहीं है ये, थोड़ा सा डिस्टेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मैं यहाँ मार्क करूंगा। एकदम पॉइंटेड तरीके से नहीं लाना है, हल्का से ऐसे कर्व करते हुए लाना है ऐसे, ओके। इसे भी हल्का से ऐसे कर्व करते हुए नीचे ले जाना है, तो एक कर्व करते हुए ले जा रहे हैं। अभी रुकना, देखो ये, अब देखो डब्ल्यू शेप है एक हल्का सा, तो यहाँ पे भी अपन ने हल्का सा, अभी ये मत करना कि बहुत ज्यादा बड़ा डब्ल्यू शेप बना दिया, हल्का सा ही ऊपर, फिर से हल्का सा ऊपर, और फिर ये बहुत ज्यादा कर्व मत करना, ठीक है, हल्का हल्का ही रखना। लोअर लिप पे भी ये हल्का सा फ्लैट है, अपर लिप मैंने ज्यादा मोटे बना दिए, इसे थोड़ा ऊपर करूंगा मैं, देख सकते हो थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना है मुझे, मैं हल्का सा ऊपर, ठीक है। फिर लोअर लिप जो आता है, अब ये चीज देखना है लोअर लिप में जो फ्लैट पोर्शन है वो कितना है, जैसे अगर मैं देखूं 1 सेंटीमीटर के आसपास है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा लंबा नहीं करना, यहाँ से ऐसे कर्व करना चालू कर देना, यहां से भी और यहां से भी कर्व करो और दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अपर लिप मुझे अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसे कर्व करके नीचे लाया और हल्का सा हॉरिजॉन्टल, अभी भी उतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि नोज के और लिप्स के बीच में कनेक्टिंग चीज है, ये जो शेप दिख रहा है ऐसे, ये, और फिर चिन वाला पोर्शन आता है। देखो मैंने एक चीज बोली है, जैसे चिन है, अगर मैं बोलूँ कितना है, तो 0.9 सेंटीमीटर ऊपर है नीचे वाले पॉइंट से, तो 0.9 सेंटीमीटर आता है। तो अब वो मुझे कैसे पता चला, प्रैक्टिस से मुझे मेजरमेंट जो कितनी रहती है नियरली समझ में आ जाती है, तो वह इस जितने ज्यादा स्केच की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छी होगी ये मेजरमेंट, ताकि हर बार स्केल नहीं उठाना पड़े, ठीक है। अपने सिर्फ अभी बाल बचते हैं और थोड़ा जो चेहरे में डिटेलिंग सी है ना, जैसे ये उठते हुए से आ रहा है हल्का सा, ये जो बाकी सारे हैं आईज के ऊपर है, जो फोरहेड पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जा रहा है, ओके, ये सब अपन ड्रॉ करेंगे। तो पहले अभी लिप्स कर लो, ओके, फिर हेयर्स करते हैं। तो देखो हेयर्स वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ, हेयर्स में देखो फ्री हैंड भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा गैप नहीं करना, जैसे देखो ये इस लाइन से कितना राइट, ये जो मांग आ रही है बीच में, इस लाइन से कितना लेफ्ट है, 0.7 0.7 यहाँ मार्क किया, इस तरीके से कर्व फॉर्म में जाना, ठीक है, यहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा सिर्फ आउटलाइन बाहर बाहर की बनाऊँ, जो अंदर की तरफ कर्व आ रहा है वो नहीं बनाऊँ, तो यहाँ से ये जो कर्व आ रहा है, ये आया एक कर्व, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर ये यहाँ आके खत्म हुआ, ये देख रहे हो इस तरीके से ये जो खत्म हुआ, सेम वही करना है, ये बाय और एकदम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली नीचे, फिर यहां से दूसरा, ये पॉइंटेड है, ये कर्व आया,
इस पॉइंट से क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे छूट गया ऐसे, फिर यहां से दूसरा चालू हो रहा है जो आगे जाके ऐसे कर्व हो रहा है, ऐसे सर्कुलर जा रहा है। ठीक है, अभी जो बाकी की जो शेडिंग हैचिंग जो दिख रहा है कि घने से है वो बाद में करना, अभी पहले एक आउटर शेप बनाना है। ठीक है, ईयर्स का पोर्शन आता है यहाँ पे, जरा ध्यान दे, ज्यादा कुछ नहीं है, इस तरीके से कर्व बनाया, जो डार्क सा शेप दिख रहा है ये बनाया, कि यहाँ पे क्या है अपन को हेयर्स आ रहे, यहाँ पे सर्कुलर चला इस तरीके से गोल गोल हेयर्स आ गए, तो ये लेफ्ट पोर्शन का आउटर लाइनिंग बन गई। ठीक है, एक आउटलाइन बन गई, अब थोड़ा अंदर का पोर्शन बनाते हैं, अभी हैचिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना, इसे ये जा रहा, ये बाहर का पोर्शन जा रहा, ये बना इस तरीके से, ये आया, और अब जो चेहरे पे कर्व हो रहा है पोर्शन, जैसे यहां से निकल के चेहरे पे कर्व हो रहा है, ये बनाना है, यहां से हल्का, देखो मेजरमेंट के साथ भी कर सकते हो, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 मार्क किया, यहाँ 0.5 मार्क किया, ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क किया, ये 0.5 मार्क किया, कर्व करके, ठीक है, यहाँ चेहरे की तरफ घुमा दिया, यहाँ से थोड़ा एक कर्व करके आया जो ईयर्स वाले पोर्शन को क्रॉस कर रहा है। ओके, तो बहुत ज्यादा अपन ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेहरे कर लिया अपन ने, बालों में क्या है सिर्फ तुम्हें कर्व्स बनाने हैं, अब उल्टे सीधे भी मत बनाना, जिस हिसाब से है ये जो एरियाज दिख रहे हैं, जैसे ये इस तरीके से है, ओके, ये थोड़ा इस तरीके से कर्व्ड है, तो ये वाले जो पोर्शंस हैं ये भी अभी मार्क कर लो। ओके, इस तरीके से लेफ्ट वाले हेयर्स बन जाते हैं, तो देखो अब राइट साइड वाले पोर्शन में है, तो यहाँ पे क्या है मार्क कर सकते हो, जैसे अगर मैं चाहूँ तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 0.5 यहाँ पे, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, 0.5 यहाँ मार्क किया, तो वो पहले से ही मार्क है, यहाँ पे इस तरीके से, तो कर्व किया इस तरीके से, नीचे आया, एक पॉइंट के पास क्रॉस होता है ये, और इस तरीके से ऊपर कर्व कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं लुक करूंगा कि मैं यहाँ से सिर्फ जो आउटलाइन इस तरीके से जा रही है वो बनाऊं, मुझे जो फ्लो दिख रहा है। ठीक है, अब इसके आगे आता हूँ, तो फ्लो कैसा आता है मेरा, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, फिर से इस पॉइंट को क्रॉस किया, फिर अंदर की तरफ इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़े से वेव फॉर्म में आ रहा है, तो यहां से जो ऐसे वेव फॉर्म में आ रहा है इस तरीके से, ये जो थोड़े सर्कुलर बन रहे हैं इस तरीके से सर्कुलर बना के छोड़ दिया, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे सर्कुलर बना के इसे यहाँ छोड़ दिया। अब ऊपर आते वापस, तो यहाँ से उठता है ये, जो अपन ने आईज के पोर्शन में ये बनाया था ना, इसमें जाके ये ज्वाइन हो गया, फिर ये कर्व किया और यहाँ आके फिर से ज्वाइन हो गया, ये यहाँ पे भी इस तरीके से दो तीन ऐसे कर्व जाएंगे, तो नीचे वाला पोर्शन जो आता है, ठीक है, यहाँ पे भी कर्व है, यहाँ पे भी देखो चेहरे पे आ रहे हैं बाल इस तरीके से, तो ये मैंने चेहरे पे जो आ रहे हैं वो बनाया, और ये तो बहुत ज्यादा ऐसे मैंने भरा नहीं है कि हर जगह उल्टे सीधे ऐसे स्ट्रोक्स लगा दी, मैंने सिर्फ एक सिंपल आउटलाइनिंग दी, और अपना स्केच देखो बढ़िया तैयार हो जाता है। ठीक है, हेयर्स, एक चीज हैचिंग करने से पहले अपन ग्रिड इरेज करें, लेकिन ग्रिड इरेज करने से पहले एक चीज करो, ये जो तुम्हें एरिया दिख रहे हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, फिर आईज के नीचे आते, तो आईज के नीचे देखो हल्का हल्का यहाँ पे ऐसे ये जो कर्व से दिख रहे हैं, तो चीक्स के पास आओ, नोज के पास आओ, ये जो इस तरीके से कर्व जा रहे हैं, यहाँ पे जो आया कर्व हल्का सा, ये जो पोर्शन लिप्स के पास दिख रहा है, ये जो है ये बना लो। ठीक है, अब देखो इसमें स्केच थोड़ा अजीब लग रहा है, ये थोड़ा एकदम रिंकल पूरा टाइप लग रहा है, लेकिन हैचिंग के बाद बेटर लगेगा ये। ठीक है, तो ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि अपन ने अगर इरेज कर दिया और फिर अपन उल्टी सीधी जगह कर रहे हैं, तो जो हाइलाइट्स जो डेप्थ रहती है वो थोड़ी सी इधर उधर शिफ्ट हो सकती है, तो उसका रिस्क नहीं लेना, पहले से ही ड्रॉ कर लो, क्योंकि तुम इरेज तो करोगे, जैसे ग्रिड इरेज करी तो हल्का हल्का ये इरेज हो ही जाएगा, लेकिन ग्रिड इरेज करने के बाद तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हैचिंग थी। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये ड्रॉ हो जाता है, हैचिंग करने से पहले ग्रिड इरेज करेंगे अपन।